Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be safe and fine by the grace of Allah Almighty. And today is our third class of science. आज हम लोग बेटा हम next chapter start करेंगे जिसका title है uses of plants. पहले हमने green word के बारे में पढ़ा था, plants के different types के बारे में हमने उसमें पढ़ा था कि plants की कितने types होती हैं, ठीक है? Creepers, herbs, shrubs, ठीक है? उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्लांट के प्लांट्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सर आइए चले रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हाउ आर प्लांट्स यूज़फुल, प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे होते हैं, ठीक है? कैसे प्लांट्स यूज़फुल होते हैं? प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? हमें वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? प्लांट्स गिव अस फूड. प्लांट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, कि हमारे लिए जो फूड का इम्पोर्टेंट जरिया होते हैं ना वो प्लांट्स होते हैं. दे गिव अस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वी ईट द रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स. वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड दे आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिश. वेजिटेबल्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो प्लांट्स से होती हैं और ये न्यूट्रस से फुल होती हैं, ठीक है? ये वेजिटेबल्स को खाने से हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, ठीक है? हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. यू शुड ईट वेजिटेबल्स डेली, डेली में हम लोग वेजिटेबल्स को खाते हैं, ठीक है? और बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है फ्रूट्स. फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी एंड वी कैन ईट देम रॉ, के फ्रूट्स जो होते हैं उनको हम बहुत मज़े से खाते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं और ये भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है? पल्सेस एंड सीरियल्स, पल्सेस बेटा दालों को बोलते हैं, ठीक है? और सीरियल्स दानों को बोलते हैं, दाने की टाइप. जैसे हम लोगों ने वन क्लास में पढ़ा था राइस, कॉर्न, ठीक है? ये सीरियल्स होते हैं, दाने. पल्सेस लाइक पीस, किडनी बीन्स एंड ग्रीन ग्राम आर दी एडिबल सीड्स ऑफ प्लांट्स. एडिबल सीड्स बेटा ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है? सीरियल्स लाइक राइस, चावल, मेज एंड वीट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. दे आर आल्सो नाउन एज फूड ग्रेन्स. सीरियल्स जो होते हैं उनको हम फूड ग्रेन्स भी कहते हैं. ग्रेन बेटा दानों को कहते हैं, जैसे चावल है, ठीक है? गंदुम है, वो दाना, उनकी जो शेप होती है वो दानों की तरह होती है ना. इनको हम सीरियल्स भी बोल सकते हैं, इनको हम फूड ग्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है टी एंड कॉफ़ी. बच्चों आप लोगों को पता है कि टी और कॉफ़ी जो हैं ये भी हमें प्लांट्स से ही मिलती हैं, ठीक है? टी एंड कॉफ़ी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. इवन दी शुगर दैट इज़ यूज्ड टू स्वीटन दीज ड्रिंक्स कम फ्रॉम प्लांट्स, कि टी एंड कॉफ़ी जो है वो प्लांट्स से होती है और शुगर जो टी और कॉफ़ी के अंदर हम यूज़ करते हैं वो भी हम प्लांट्स से ही हासिल करते हैं, ठीक है? अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स, इसके अलावा हम प्लांट्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? प्लांट्स गिव अस फाइबर, वी कैन मेक क्लोथ, रोप्स एंड मैट्स फ्रॉम दिस फाइबर. प्लांट्स हमें फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं और उन फाइबर से हम कपड़े बनाते हैं, रस्सियाँ, रोप्स बनाते हैं और मैट्स, कालीन बनाते हैं, ठीक है? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स. क्लोथ्स जो होते हैं वो कॉटन फाइबर से, कॉटन रुई से मिलके बनते हैं, ठीक है? ये देखें जैसे रुई बनाई भी हुई इन्होंने यहाँ पे. रूफ्स एंड मैट्स आर मेड फ्रॉम जूट एंड कोकोनट फाइबर. जो क्लोथ होते हैं वो कॉटन फाइबर से और रूफ्स, रस्सियाँ और मैट्स होते हैं वो जूट और कोकोनट फाइबर से मिलके बनती हैं. उसके बाद है प्लांट्स आल्सो गिव अस ऑयल, पेपर, रबर, परफ्यूम्स एंड वुड. प्लांट्स हमें ऑयल, पेपर, रबर, परफ्यूम्स और वुड भी प्रोवाइड करते हैं, देते हैं. वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स. ऑयल जो होता है वो हमें सीड्स से, बीजों से मिलता है. नट्स एंड आल्सो फ्रॉम सम फ्रूट्स. नट्स और कुछ और फ्रूट्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है? वी कैन यूज़ दिस ऑयल टू कुक एंड मेक सोप और शैम्पू. पेपर कैन बी मेड यूजिंग बम्बू ट्रीज. बम्बू ट्रीज होते हैं, ठीक है? उनको यूज़ करते हुए हम लोग पेपर्स बनाते हैं. पेपर्स भी ट्रीज से ही बनते हैं. रबर ट्रीज गिव अस रबर. सम प्लांट्स लाइक द जैस्मिन प्लांट्स आर यूज टू मेक परफ्यूम. कौन से प्लांट्स होते हैं वो परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ होते हैं? जैस्मिन प्लांट्स, ठीक है? रोजेज़ आर यूज टू मेक रोज वाटर, ठीक है? रोज वाटर जिसे हम गुलाब का अरक भी बोलते हैं, ठीक है? वी आल्सो गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स टू मेक फर्नीचर. हमें सबको पता है सबके घर में फर्नीचर है, ठीक है? वो फर्नीचर जो है वो किससे बनता है? वो वुड से बनता है. जो प्लांट्स की वुड होती है उसको हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट है बेटा, प्लांट्स गिव अस मेडिसन, के जो मेडिसन बनती है, हमने लास्ट चैप्टर में हर्ब्स और शर्ब्स के बारे में पढ़ा था। हर्ब्स जो होती हैं उनको हम मेडिसन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर आल्सो यूज टू मेक मेडिसन, एन इम्पोर्टेंट मेडिसन क्यूनाइन, क्यूनाइन एक मेडिसन का नाम है, दैट इज़ यूज टू ट्रीट अ डिजीज़, जो कि एक डिजीज़ जिसे हम मलेरिया कहते हैं उसके इलाज में इस्तेमाल होती है। और ये जो क्यूनाइन होती है ये प्लांट से बनती है, ठीक है, इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने हमें डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है और बताया है कि उन प्लांट से कौन कौन सी डिजीज़ का हम लोग इलाज करते हैं, उनसे कौन कौन सी मेडिसिन बनती हैं। द जूस ऑफ द तुलसी लीव्स इज़ गुड फॉर कफ एंड कोल्ड, खांसी वगैरह के लिए, ठीक है, हम तुलसी जो एक लीव है उसका जूस यूज़ करते हैं। टर्मेरिक, जिसे हम हल्दी भी बोलते हैं, इज़ यूज इन कुकिंग एंड आल्सो एन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसन, इसको मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और इसको कुकिंग वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एलोवेरा, द जूस ऑफ एलोवेरा प्लांट इज़ गुड फॉर द स्किन, ठीक है। द जूस ऑफ आंवला फ्रूट इज़ गुड फॉर द स्टमिक, के आंवला जो है ये एक फ्रूट है, इसका जो जूस होता है वो स्टमिक के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जो स्टमिक के पेशेंट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस रीडिंग को बेटा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, जिस क्वेश्चन की, जिस वर्ड की आप लोगों को समझ ना आए वो आप लोगों ने पूछ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है विजिट अ सुपरमार्केट। अब जब हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटी जोन है कि अगर आप सुपरमार्केट में जाएं तो वहाँ पे आप डिफरेंट फ्रूट्स देखें, वेजिटेबल्स देखें, सीरियल्स को देखें, पल्सेस वगैरह को देखें और आपने उनके नाम नोट करने की कोशिश करनी है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं ना उनके नेम क्या क्या है, ठीक है। विजिट अ सुपरमार्केट विद योर पेरेंट्स, फाइंड आउट द नेम ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस एंड सीरियल्स, के वहाँ पे आप जो डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस एंड सीरियल्स देखें उनके नेम तलाश करें, उनके नेम लिखें कि आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं मार्केट में, ठीक है। मेक अ चार्ट इन योर बुक कैन ड्रॉ द डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस एंड सीरियल्स दैट यू सॉ एट द मार्केट, और वो चीज़ें जो आप लोगों ने मार्केट में देखी हैं उनको लिखने की कोशिश करें, ठीक है, उनके नाम सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।